गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और मुझे आप लोग से थोड़ा सा बात करना था कि पता नहीं यूट्यूब पे क्या ही चल रहा है यार। पहले तो वो मालती चौहान का था, तो होता है ना, अगर आप किसी के वीडियो देखते हैं वो सामने वाला आपको अच्छा लगता है, फिर अगर उन लोग की लाइफ में ऐसा कुछ चलता है तो खुद को भी बुरा लगता है। जैसे लगता है कि हाँ, वीडियो देखते देखते एक ऐसा बॉन्ड जैसा बन जाता है, ऐसे लगता है कि हाँ आज उन्होंने क्या डाला तो देखना है। तो मैं बताऊँ आप लोग को, तो जब भी मैंने अपना चैनल स्टार्ट भी नहीं किया था तो मालती चौहान का तो मैं वीडियो मैंने पहले ही बताया था कि मैं नहीं देखती थी। वो जब बीच में ऐसा कुछ हुआ तब मुझे पता चला, तो एक दो वीडियो मैंने देखा था। और अभी कल मैंने, मतलब इधर बीच थोड़ा मतलब मेरा नहीं हो पा रहा था, तो यूट्यूब पे मैं व्लॉग वगैरह इधर बीच नहीं देख पा रही थी किसी का। जब भी मैंने अपना चैनल स्टार्ट नहीं किया था तब से मैं मनीषा और सचिन भैया का वीडियो देखती थी। कल मैंने उनकी एक वीडियो, ऐसे कल क्या, मैं 2-3 दिन से उनकी वीडियो देख रही हूँ। मतलब मुझे उनकी वीडियो देख के खुद इतना बुरा लग रहा है कि भैया ने जो आके सोशल मीडिया पे ऐसा बोल दिया, मुझे उनसे बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद नहीं थी। क्योंकि पता नहीं क्यों ना, वो बहुत मुझे मैच्योर टाइप लगते हैं स्टार्टिंग से, जब से मैं उनका वीडियो देख रही हूँ। और मनीषा का तो ऐसा है कि वो फ़िलहाल कुछ बोलती ही नहीं है। और मुझे बहुत बुरा लगा कि ठीक है, आपके घर में जो भी प्रॉब्लम है तो आप लोग बैठ के उसको सॉल्व करो, ना कि आप सोशल मीडिया पे आके पूरा। और मैंने उनके भाई का भी, मतलब होता है ना कि अच्छा, उन्होंने बोला कि उनके भाई का नाम प्रिंस है शायद, तो उन्होंने बोला कि प्रिंस ने ऐसा बोला वैसा बोला। तो मैंने उनके भाई का भी देखा वीडियो, तो उसमें जो उनके पापा ने बोला हुआ था ना उस टाइम, मतलब वो जो बोल रहे थे, इतना मुझे खुद को ऐसा गिल्ट फील हो रहा था कि भैया ये क्या ही कर रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप सही हैं, वो अपनी जगह, लेकिन आप सोशल मीडिया पे आके माँ बाप के बारे में ऐसा बोले, ये बिल्कुल भी गलत है। और मैं उनकी मम्मी को बोलना चाहूँगी, मैंने उनकी मम्मी को हमेशा नोटिस किया, जब भी मैं ब्लॉग देखती तो जैसे ना मनीषा दी हैं जो, तो उनको हमेशा से टारगेट करके ऐसे बोलती है कोई भी चीज़, या तो ऐसा बोलेंगे बहुत रूडली बात करती है, या तो उनका नेचर ऐसा होगा, या तो ये होता है ना कि हम पूरे दिन तो देख नहीं रहे हैं, जो हम लोग को 8-10-15 मिनट की वीडियो देखने को मिलती है उससे हम किसी को जज भी नहीं कर सकते। तो उनकी मम्मी को जैसे वीडियो में कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने देखा है कि बहुत रूड तरीके से मनीषा से बोलती हैं, तो लेकिन उनको, भैया को ऐसा नहीं करना चाहिए था जो उन्होंने किया। मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, मैं उनका वीडियो देख के मतलब एकदम ये था कि ये ऐसा बोल रहे हैं। ऊपर से वो कल लाइव आके बोल रहे थे उनके भाई की शादी है, तो उनको ठीक है, घर में बहुत, ऐसा नहीं कि किसी की फैमिली में प्रॉब्लम नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम है। मैं सही बताऊँ तो मेरे पास बताने के लिए ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि मैं अभी बोलने लगूँ तो मिलियन व्यू आ जाए शायद, लेकिन मुझे पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ बोलनी है कहाँ नहीं बोलनी है। तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं अपना ओपिनियन दे रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत बुरा। अब मैं उन लोग को शुरू से देख रही हूँ तो ये लग रहा है कि अच्छा, ये लोग तो ऐसे नहीं थे, इन लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर व्यू के लिए कर रहे हैं तो बहुत गलत बात है। और अगर आपको तकलीफ़ है तो आप उसको अंदर रखते सोशल मीडिया पे, आप सोचो कल को सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मुझे पता है जैसे हर फैमिली का ये है, ऐसा नहीं कि बस उन्हीं की फैमिली में हो रहा है, हर फैमिली का ये है, अभी कल को सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ, सब लोग प्रेम से रहने लगेंगे। लेकिन ये चीज़ें जो अभी उन लोग कर रहे हैं ना, ये चीज़ें हमेशा ज़िंदगी भर के लिए हो जाएगा कि आप मेरी शादी में नहीं आए, या तो उस टाइम ये चीज़ हो रही थी, ये सारी चीज़ें ना हमेशा के लिए रह जाएंगी। और हमेशा कहीं ना वो बात पढ़ने पे वो टेस्ट करती रहेगी कि आपने ऐसा बोला, उन्होंने ऐसा बोला। तो मुझे सबसे बुरा इसमें उनके पापा के लिए लग रहा है। उनके भाई को तो मैं क्या ही बोलूँ, पता नहीं उनके पास सेंस है भी कि नहीं। मुझे उनके पापा के लिए बहुत बुरा लग रहा है। मतलब मैं कल उनका व्लॉग देख रही थी ना, मेरे आँख से आंसू आ रहा था कि ये लोग क्या कर रहे हैं, भगवान सोशल मीडिया पर आके एकदम धज्जी उड़ा दिए हैं। और मनीषा का नेचर ऐसा है, मनीषा देखा कि वो जैसे बोलती नहीं है, मैंने उनको देखा है कि वो तो अपनी जैसे सासू माँ जो है उनकी, उनसे थोड़ी वो उनके सामने नहीं बोलती हैं, या तो उन लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं या तो जो भी हो, लेकिन सचिन भैया को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था सोशल मीडिया पर आके। आपको अपने, चलो आप अपनी मम्मी का नहीं सोचो, आपकी मम्मी बहुत रूड है भी, मैं खुल के बोल रही हूँ, बहुत रूड तरीके से बोलती भी हैं।
ठीक है, लेकिन आपको अपने मम्मी पापा के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। माँ बाप कितने भी बुरे होते हैं, बच्चों का कभी भी बुरा नहीं चाहते। गुस्से में सब बहुत कुछ बोल देता है। मेरी मम्मी भी कभी हम लोग पे गुस्सा होती है तो बहुत कुछ बोल देती है, लेकिन हम 10 मिनट बाद ये होता है कि मैंने अपने बच्चे को बोल दिया। मैं खुद अपनी बेटी को मार देती हूँ, उसके मुझे 2 मिनट बाद ही एहसास होता है कि मैंने क्यों मार दिया। मतलब इतना मुझे गिल्ट लगता है। और आपने इतनी सारी बातें बोल दी, वो भी सोशल मीडिया पे। भगवान यूट्यूब पता नहीं क्या ही करवाएगा। कभी कुछ करा रहा है, कभी कुछ करा रहा है। यूट्यूब से ना कई लोगों के रिश्ते बन रहे हैं, कई लोगों के बिगड़ रहे हैं। अभी बनते तो मैंने नहीं देखा है, बिगड़ते तो बहुत देखा। अभी मालती चौहान का चल ही रहा था तब से। मैं नहीं, मुझे नहीं पता कि इनकी वीडियो कौन कौन वॉच करता है। ज़्यादा सब्सक्राइबर इतने ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि सब वॉच करते होंगे। लेकिन मैं शुरू से देखती थी, जब मेरा चैनल मैंने नहीं बनाया था तब से देखती थी। मैं वीडियो नहीं बनाने वाली थी, लेकिन मुझे लग रहा था मैं किससे अपनी बातें कहूँ। मेरे हस्बैंड जैसे ब्लॉग वगैरह किसी का नहीं देखते हैं, तो मुझे लगा कि मैं अपनी बात कहूँगी कहूँगी, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। तो भैया को ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने बहुत ज़्यादा गलत किया है। आप सही हो, वो अपनी जगह है, लेकिन आपको सोशल मीडिया पे आके अपने मम्मी पापा के बारे में, आपका भाई तो सब उसको जानते हो कैसा है, आपने अपनी पहचान होता है ना। जैसे आज मैं यूट्यूब पे हूँ और मेरी एक पहचान बन जाएगी, पता नहीं कभी बनेगी, माता रानी आशीर्वाद देंगे तो जल्दी ही बन जाएगी। मेरी एक पहचान बन जाएगी, और मेरे पीछे से जैसे मेरी बेटी ने अपना चैनल कभी बनाया तो उसका चैनल अपने आप ग्रो होने लगेगा, क्योंकि अच्छा ये इनकी बेटी है। तो पहले आपने चैनल बनाया, फिर ये हुआ कि अच्छा इनके भाई हैं प्रिंस, तो वो धीरे धीरे अपने उन लोग को फिर ना मेहनत तो उतना करने की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ भी डाले व्यू आता ही आता है। ये चीज़ मैंने देखा है कि अगर फैमिली मेम्बर में कोई भी है जो कि फेमस है, फिर उसके पीछे से कोई बना चैनल बना के वीडियो डाला है, तो उसको मेहनत करने की बहुत, ये मैं नहीं कह रही हूँ कि मेहनत नहीं करते, बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे जितना मेहनत आज मैं कर रही हूँ, कल को मेरी बेटी या मेरे रिलेटिव कोई बनाएंगे तो उनको उतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। अभी मैं कितना स्ट्रगल कर रही हूँ वो मैं जान रही हूँ। तो वही चीज़ें हैं कि आप अपने भाई की वजह से एक पहचान बनाए हो, और आप ही अपने भाई को ऐसा कह रहे। अरे जब वो घर से निकल रहे थे तो उनकी मम्मी को रोकना चाहिए था। हाँ चलो, मम्मी ने गुस्से में बोल दिया तो भाई को बोलना चाहिए था कि नहीं मेरी शादी है, मुझे नहीं पता, आपको रुकना है मतलब रुकना है। तो अगर जो रिश्ता बनाना चाहता है तो किसी भी तरीके से बनाना बना लेता है। तो मुझे भैया कहीं गलत नहीं लग रहे हैं, लेकिन एक जगह मुझे वो बहुत गलत लगे कि उन्होंने सोशल मीडिया पे ये सारी बातें क्यों बोली। प्लस दूसरी बात कि उनको रुकना चाहिए था, उसके बाद वो चले जाते अपना, फिर कि हाँ किसने क्या बोला वो शादी देख के चले जाते। लेकिन प्लीज़ आप सोशल मीडिया पे ये सारी बातें अब जितनी हो गई अब बंद कर दीजिए। अपने पापा को देखिए, उनको उनको देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो प्लीज़ आप सब ऐसा ना करें। सोशल मीडिया एक आदमी अपने मनोरंजन के लिए देखता है तो वही रहने दे, इसमें फैमिली मैटर को ना घसीटे। कौन कौन वीडियो देख रहा है, सोचिए आपके पापा जाएंगे कहीं तो कैसे किसी को फेस करेंगे। तो प्लीज़ वो चीज़ समझिए और अपने पापा को देखिए, मम्मी को छोड़िए, भाई को छोड़िए, अपने पापा का चेहरा बस देखिए। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। अगर आप मेरी वीडियो आप तक पहुँचेगी तो मैं बहुत खुश होंगी कि आपसे मैं कुछ अपनी बातें मन की कह पाई हूँ, और बाकी मुझे और कुछ नहीं करना था। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, और मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ उन लोग का ब्लॉग देख के यार, बहुत ज़्यादा।